फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेबी रॉक्स टीम्स। तो भाइयों, बहुत बड़ा मुकाबला खेलने वाला है आज भाइयों, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस सीएचई के बीच, जो कि दोनों टीम्स टॉप की हैं। दोनों का जो एक रेशियो है भाइयों विनिंग का, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इन दोनों के बीच मैच होना था, मैं पहले ही एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार क्या होगा, लेकिन ये मैच तो भाई अनएक्सपेक्टेड ही आ गया है। बात करूँ भाइयों, 2 घंटे 16 मिनट बाद ये वाला मैच होने वाला है। इसकी फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद कहाँ मिलेगी? इसकी फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद मिलेगी मेरे इस चैनल पर, जिसका नाम है एबी रॉक्स ड्रीम इलेवन टीम्स। तो ग्रुप का नाम यार ध्यान से देख लो कि आपको बाद में ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। ग्रुप का नाम इसलिए मैं आपको बार बार हर वीडियो में दिखाता हूँ कि भाई आप इस पे आगे फाइनल टीम ले पाएँ अपने फ़ायदे के लिए। एंड चलते हैं आगे। ये आप देख सकते हैं भाइयों, आज भी हमारा जो एक विनिंग रेशियो था 80-90% का, मतलब 80 अबव ही था, 80% अबव, ये आज की आप देख ही सकते हैं। बहुत अच्छी विनिंग हुई है भाइयों। चलते हैं आगे। तो ऐसी विनिंग बनाए रखेंगे भाई, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम अपना पूरा दिन ख़राब कर देंगे वो भी एक मैच के चक्कर में। इसलिए मैं आपको बताऊँगा कि आप इसमें क्या कर सकते हैं चेंजेस, क्योंकि आप चाहो तो अपनी तरफ से चेंज करा करो। मैं नहीं कहता कि आप मेरे ऊपर पूरे डिपेंड हो जाओ मेरी टीम पर, ऐसा नहीं कहता मैं भाइयों। कुछ एक आधा चेंज करना हो अगर आपका कोई माइंड चल रहा हो तो आप कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बात करूँ गोलकीपर की, तो डीडी गया को भाइयों मतलब दो एक्सपीरियंस है इसको भाई। एक तो गोलकीपिंग करता है, साथ ही साथ इसने बड़ी बड़ी लीग में, जैसे कि सीरी ए लीग में भी गोलकीपिंग कर रखी है। एक्चुअल में क्या रहता है भाइयों, एक टाइम पे बंदा एक लीग में ही खेलेगा, ये तो नेचुरल बात है। या भले ही क्रिकेट हो, जो मर्जी हो, क्योंकि एक टाइम पे एक लीग होती है। लेकिन इनका क्या, हमें लगता है कि जब ये प्रीमियर लीग खत्म हो जाएगी तो ये कहाँ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये भाइयों ऑल मतलब फुल्ली ईयर खेलते हैं, एक लीग नहीं तो दूसरी लीग के बाद, जैसे क्रिकेट में होता है आईपीएल सीपीएल बीबीएल, तो वैसे ही भाइयों इनका भी पूरा फुटबॉल का इनकी प्रैक्टिस नहीं टूटती। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ डीडे गया इज द बेस्ट प्लेयर। आगे चलते हैं। बात करूँ मैं डिफेंडर की, तो एवेन बिसाका का एक्चुअल में क्या है, पिछले मैच में मैंने आपको बोला था कि इसको अपनी टीम में लेना, नहीं बोला तो आप जाके देख लो, मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बोल दिया था कि इस बंदे ने चलना ही चलना है। और आज फिर कह रहा हूँ, अगर भाइयों ये मैनचेस्टर यूनाइटेड का प्लेयर अगर हल्का फुल्का भी हमें 40 पॉइंट भी दे गया ना, आज विनिंग बहुत ज़बरदस्त होगी। लेकिन आज इसके चलने के चांस थोड़े से डाउन आ गए हैं, क्योंकि भाइयों आज जो ओपोनेंट टीम है सीएचई, वो भी किसी से नहीं डरती भाइयों, ना ये डरते हैं एमयूएन वाले। एच मैग्यूर की बात करूँ, एच मैग्यूर भी भाइयों आज चल सकता है, क्योंकि एच देखा जाए तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के दो टॉप के डिफेंडर यही हैं, बाकी खास नहीं है। एल शो भी ठीक ठाक खेलता है, बाकी मुझे इतने खास नहीं लगते। ऊपर से एक प्लेयर है के जोमा को आप ट्राई कर सकते हो। आप देख सकते हैं विंडल ओवल की जगह आप चाहो तो जोमा की जगह जा सकते हो, लेकिन मैं भाइयों थोड़ा मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ माइंडेड हूँ। आगे से बात करूँ बी चिलवेल की, तो बी चिलवेल जो कि प्रीवियस मैच में ज़बरदस्त खेल के गया, हर मैच में ओवरऑल इसकी सिलेक्शन पूरी लास्ट मैक्सिमम होती है, क्योंकि बी चिलवेल पे लोगों को बहुत भरोसा रहता है मेरी तरह। एंड आगे से बात करूँ, यहाँ सुनूंगा वी लिंडल फॉल को, वी लिंडल ऑफ जो कि भाई देखता हूँ क्या करेगा, क्योंकि अगर इसकी जगह आपको सेव जाना है देन जोमा इज़ बेस्ट। अगर रिस्क लेना है तो विंडल ऑफ के साथ जाओ, नहीं लेना तो जोमा के साथ जाना, मैं फिर कह रहा हूँ भाइयों। बात करूँ मिडफील्डर की, तो बी फर्नांडिस तो हर लीग में चलता है, चार मैचेस में आप देख रहे हो इसको। एक बार जो उसका मैच होता सी आर वाई के साथ, उसमें आप देख सकते हो परफॉर्मेंस, बीएचए के साथ जबरदस्त, टीओटी टॉप की टीम के साथ उसमें भी जबरदस्त, उसके बाद जब इसका मैच हुआ था एनईडब्ल्यू के साथ उसमें भी जबरदस्त भाइयों। मतलब इवन हर मैच में आप देख सकते हैं, इसने प्रीवियस मैच में एक गोल किया था और 3 शॉट ऑन टारगेट दिए थे, जितने शॉट ऑन टारगेट आएंगे उतना प्रॉफिट गोलकीपर का होगा, इसलिए मैंने गोलकीपर उल्टा चुना है। एंड आगे से बात करूँ जॉर्जिनो जो कि भाइयों अभी तक टोटल 4 मैचेस खेला है, 26 सितंबर के मैच में था नहीं, और उसके बाद देखा जाए तो भाई SOU के खिलाफ ये नॉर्मल खेला था, CRY के खिलाफ तो सारे ही अच्छा खेल रहे हैं इस बार मैं देख रहा हूँ, लेकिन लिवरपूल के आगे टीम डाउन थी। तो लिवरपूल वर्सेस अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच देखें तो आई थिंक यार वो तो अलग ही है, लिवरपूल इसको टक्कर देना मुश्किल है। एम माउंट की बात करूँ तो एम माउंट CHE का एक नॉर्मल मिडफील्डर है, मैं आज डिफेंडर से ज़्यादा मिडफील्डर पे भरोसा कर रहा हूँ, क्योंकि आई थिंक आज ये चल सकता है, क्योंकि माउंट को मैं 2-3 बार से देख रहा हूँ नहीं चल रहा, आई थिंक आज कुछ खास करेगा। और के हैवर्ट्स की बात करूँ, के हैवर्ट्स CHE का टॉप का प्लेयर है, देखा जाए तो हर मैच में ओवरऑल हर टीम के आगे अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी। बात करूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड की, तो टी वर्नर के बारे में आप जानते ही हो, एनी टीम के आगे चलना जानता है, बहुत कम होता है कि यार ये गोल ना करे, और जिस दिन मैं दुख होता हूँ जब ये गोल नहीं करता, लेकिन आज ऐसा कुछ खास नहीं है इसका गोल हमारे लिए। और रैशफोर्ड की बात करूँ, एम रैशफोर्ड को आज कुछ करना चाहिए अपनी टीम को बचाने के लिए, बी फर्नांडिस एंड एम रैशफोर्ड इन दोनों को कुछ करना चाहिए भाई, क्योंकि इन दोनों के ऊपर मैनचेस्टर यूनाइटेड टिकी है। बात करूँ आगे चल के मैं कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो मेरा कैप्टन रहेगा बी फर्नांडिस एंड वाइस कैप्टन एम रैशफोर्ड। एक्चुअल में मैंने लिंडलफॉल को इसलिए चुना है क्योंकि यार रैशफोर्ड और बी फर्नांडिस अगर हमने लिए हैं तो हमने क्या सोच के लिए हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड स्ट्रॉन्ग है, तो अगर हम मैनचेस्टर यूनाइटेड के टोटल प्लेयर लेंगे नहीं तो भाई कैसे चलेगा। आपको बता दूँ डीडे गया को भी लेना है तो ले सकते हो, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ डीडे गया को भी अगर आप ड्रॉप करना चाहें तो इसकी जगह आपको एक प्लेयर मिल रहा है KRS बागला, इसको भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन
सेफ जा रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों का थोड़ा भाई ध्यान रखना होता है। बाकी मिलता हूँ भाइयों अगली वीडियो में अगले मैच के प्रेडिक्शन के साथ। अभी के लिए बाय फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ रहे।